दोस्तों लेटेस्ट रूमर्स के मुताबिक WWE में जल्द ही ऐसा हो सकता है। हम सभी ने रेसलमेनिया 40 का किकऑफ शो देखा और फिर ट्रिपल एच और रॉ के बीच बैकस्टेज सेगमेंट हुआ जहां दोनों बहुत गुस्से में थे। अगर ऐसा कुछ साल पहले होता तो शायद रेसलमेनिया में इनके बीच मैच होता, लेकिन ट्रिपल एच के रेसलिंग से रिटायर लेने के कारण अब ये पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप सभी को याद है, ट्रिपल एच का WWE में आखिरी मैच January 2021 में रॉ पर रैंडी ऑर्टन के खिलाफ था। उस मैच के बाद वो रिंग में वापस नहीं आए। 2022 में ट्रिपल एच को एक हार्ट प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। अब ट्रिपल एच किसी ऐसे व्यक्ति की सच में है जो WWE में रिटर्न कर सके और द रॉक से रिवेंज ले सके। रिपोर्ट्स में कहा है कि ये बैटिस्टा ही है जिन्हें ट्रिपल एच रेसलमेनिया में द रॉक से लड़ने के लिए वापस लाएंगे। बैटिस्टा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वर्कआउट फोटो पोस्ट की और वह शानदार शेप में दिख रहे थे। ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि बैटिस्टा WWE में वापसी करेंगे। तो दोस्तों, आप इस रूमर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।